लालू परिवार के 17 ठिकानों के साथ साथ सीबीआई की टीम ने अलग जगहों पर भी छापेमारी को अंजाम दिया है। इस सिलसिले में सीबीआई की टीम ने रूपसपुर थाने के महुआ बाग में एक साथ 10 घरों में छापेमारी की है। सीबीआई की टीम ने उन सभी घरों में छापेमारी की जिनके घरों के लड़कों ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी हासिल की थी। सीबीआई की एक टीम सुबह 6 बजे ही महुआ बाग पहुंची और सभी 10 घरों में नौकरी से संबंधित कागजातों की तलाशी ली है। वहीं इनसे जुड़े लोगों का दावा है कि सीबीआई की टीम को कहीं से कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने सीबीआई पर बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया है। पूरा नंग छापा मारा गया, तोड़ा गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आकर के परेशान किया जा रहा है, एक फोर्स बुला करके एक करके यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। मीडिया भी गाइड हो रही है यहाँ पे। हम कुमार भाई का नाम होगा, चित्र भाई का। वो मतलब सारे दस्तावेज जमीन का, और वो भाई एक है रेलवे में नौकरी करता है और उसको अननेसेसरी टॉर्चर किया जा रहा है। और कोई ऐसा कुछ नहीं, एक कमाने वाला घर में बोला जा रहा है कि आप मेरे घर पिंटू कुमार हुआ नाम है, और एक कमाने वाला अकेला घर में, ना फादर है ना मतलब दादाजी है, और उसके ऊपर सारा घर चलता है और उसको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। सीबीआई से पूछने की कोशिश किए कि हम सीबीआई से पूछने की कोशिश किए, वो बोले कि हम दिल्ली से आए हैं, हमें ऊपर के लेवल से मेरे मतलब ऑर्डर है घर में जाकर के जांच करने के लिए। वारंट देखे, वारंट था वो घर में जांच करने के, लेकिन ना कोई पुलिस आया था उस समय और जाकर के घर में घुसा और सारा जांच करके उसको कुछ भी नहीं मिला मेरे घर से, और वो निकल गए सावा नौ मेरे घर से, वो बाहर गए हैं। कौन भाई नौकरी करता है? पिंटू कुमार हूँ भाई का नाम। आपका नाम? मेरा नाम सुजीत। और यहाँ आसपास के कितने घर में छापेमारी की है? क्या ये लोग सभी लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि लालू यादव से उनके संपर्क है? अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है एक यादव समाज के लेकर के। खाली कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि, और कह करके मतलब एक उनको भी मतलब साहब हैं उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है और हम लोग को भी टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। वहीं गोपालगंज के इटावा गांव में भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। यहां एक अफवाह भी उड़ाई गई कि लालू प्रसाद यादव की बहन के घर में छापा मारा गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ निकली। इटावा गांव में भी उन घरों में छापा मारा गया जिन घरों के लड़कों को लालू यादव के कार्यकाल में रेलवे में नौकरी मिली थी। घर में मौजूद एक महिला ने बताया कि रेलवे में नौकरी करने वाले सारे कागजात की फोटो खींचकर सीबीआई ले गई है। क्या नाम है आपका? अब गार्जियन से पूछे के चाहिए, गार्जियन जब हमारे जब अच्छा नहीं बोलो सर और पूछे के चाहिए तो उनको, उन, काम से कुछ पूछ भी उनको भी लेके आए हैं, लेके साथ लेकर गई है और कुछ गई नहीं लोग पूछ पाछ करे खातिर तो हमने क्या बता सकत हैं सर। क्या माने आई सीबीआई टीम जो क्या क्या पूछ रही थी, क्या क्या लिए पूछू ना औरत लोग से पूछू ना कुछ नहीं ना पूछते हैं तो कैसे झूठ बोल दी। कुछ कागजात भी पूछ मांग रही थी, कैसा कागज पत्र मांगनी है लोगे? कागज पत्र दिया गया अपन देख था के चल क्या याद किया है क्या क्या चीज का कागज था, कैसा कागज था? माने मांगल तो हमके लड़कन के पढ़ाई का कागज वाला दोसर कुछ कागज तो इकलो नाम नहीं। रेलवे में नौकरी से भी कागज था? रेलवे में नौकरी से भी कागज मांग ले गई है? कागज ना खिले ले गई, लेकर छोड़ दी है, स्कैनिंग कर लिया खाली एगो हमने के पासपोर्ट गई बा। अच्छा लालू प्रसाद यादव जी के कौन जिनका घर है ये ना बताया जा रहा है कि बहन के घर है ये? ना लालू यादव के ये कौन है? उनकी चचेरी बहन का ही घर है? नहीं इसी घर में शादी चचेरी बहन के नहीं है। जब उनका बहन के शादी कहाँ भयल सर? एजन का बहन के शादी नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों छपमारी के पूछा है? तो अथी बाबे लालू यादव के रिश्तेदार है इसलिए यहाँ छपमारी हो गई सीबीआई की टीम। रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे? ना लालू कौन रिश्तेदारी है? अभी सीबीआई की टीम कागजात को खंगाल रही है, लेकिन इनमें क्या कुछ मिलता है ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना और गोपालगंज से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।